हेलो एंड वेलकम बैक टू पंजाबी टेशन इंडिया। एक बार फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हैं बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। ये अपडेट रिलेटेड है वन एंड ओनली सनी देओल की आने वाली फिल्म के साथ। जी हाँ, आने वाले समय में सनी देओल की नई फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है बॉर्डर 2। सो उनकी सुपरहिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है बॉर्डर 2 फिल्म। बता दें कि इस फिल्म से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब इस फिल्म की टीम में एंट्री हो चुकी है एक बड़े ही कमाल के फिल्म राइटर की, एक बड़े ही कमाल के राइटर की जिन्होंने ऑलरेडी काफी सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। बता दें कि उनका नाम है सुमित अरोड़ा। जवान के डायलॉग्स लिखने वाले सुमित अरोड़ा की एंट्री हो चुकी है इस फिल्म की टीम में, जो कि इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुमित की इस फिल्म में एंट्री हो गई है और प्री प्रोडक्शन पे वो काम कर रहे हैं और फिल्म की स्क्रिप्ट को पूरा कर रहे हैं। दरअसल बॉर्डर 2 फिल्म अभी भी प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है, जिसके बाद कास्टिंग को फाइनल करके मेकर्स की ओर से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ऑफिशियल पोस्टर्स सामने नहीं आए हैं, ऑफिशियल स्टार कास्ट सामने नहीं आई है, लेकिन ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, ये रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं कि इस फिल्म में कई सारे स्टार्स नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं वन एंड ओनली सनी देओल। एक बार फिर से हमें सनी देओल का वो एक्शन अवतार इस वॉर फिल्म में देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है बॉर्डर 2। वही बात करें सुमित अरोड़ा की, तो वो ऑलरेडी जवान जैसी फिल्मों के डायलॉग्स लिख चुके हैं। जवान जिसने की बॉक्स ऑफिस पर 1160 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की, ज्यादा से कलेक्शन की। बता दें कि सुमित अरोड़ा इस फिल्म की स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है इस फिल्म की टीम में। और वही अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो सनी देओल के साथ इस फिल्म में स्क्रीन शेयर करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ। ऐसा कहा जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ का नाम भी इस फिल्म की कास्ट में सामने आया है। इसी के अलावा अगर हम बात करें बाकी की कास्ट की, तो इसमें आयुष्मान खुराना भी नजर आ सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि आयुष्मान खुराना इस फिल्म में नहीं नजर आएंगे। लेकिन अब इंतजार है फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, तो देखते हैं कि कौन से नाम स्टार कास्ट में सामने आते हैं। आपका क्या कहना है सनी देओल दिलजीत दोसांझ को एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए, आप कितने एक्साइटेड है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन दोनों के साथ आप आयुष्मान खुराना को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो भी कॉमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद अगर जैसे ही पर्टिकुलर रिलीज डेट सामने आती है बॉर्डर 2 फिल्म की, तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए आप पंजाबी टेशन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स अ रैप फॉर नाउ। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड।